दीप्ति और दीप्ति मिश्रा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं 3 डिफरेंट फ्लेवर में समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाने जा रही हूँ, जो कि आपको गर्मी के दिनों में पूरे दिन तरोताजा रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इन 3 डिफरेंट फ्लेवर की ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, 3 डिफरेंट फ्लेवर में समर ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली ड्रिंक है ऑरेंज रिफ्रेशिंग ड्रिंक। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 छोटे साइज के ऑरेंज लिए हैं और इनके मैंने पीस कट करके इनके अंदर जो ये सीड्स होता है उसे मैंने निकाल दिया है। और अगर आपके पास बड़ा ऑरेंज है तो आप यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑरेंज को यूज कर सकती है। जो छोटा ऑरेंज होता है उसमें जूस कम निकलता है और बड़ा ऑरेंज में जूस अच्छा निकलता है, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑरेंज का भी यूज कर सकती है। और उसके साथ मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच चीनी ले रही हूँ, 4 से 5 पीस पुदीने के पत्ते के, 1 छोटा नींबू जिसका मैंने रस निकाल दिया है, और 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे प्लेन सोडा का यूज कर रही हूँ, क्योंकि हम अपनी जरूरत के अनुसार यूज करेंगे। और इन सारी सामग्री से हम सिर्फ 1 ग्लास ही ड्रिंक बना के रेडी करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। सबसे पहले हम अपने ऑरेंज के पीसेस को मिक्सी के जार में डाल देंगे और उसके बाद चीनी और 2 या 3 पत्ते पुदीना के, इतना काफी होगा। इसको हम पीस के रेडी कर लेते हैं। देखिए ये एकदम रेडी हो गया है और अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो देखिए जूस एकदम रेडी है। तो चलिए अब हम अपनी ड्रिंक भी रेडी कर लेते हैं। उसके बाद हम एक सर्विंग ग्लास ले लेंगे और उसमें हम अपना ऑरेंज जूस डाल देंगे पहले। उसके बाद इसमें चाट मसाला, काला नमक, लेमन जूस, सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं पहले अच्छे से। और उसके बाद हम इसमें प्लेन सोडा मिक्स कर लेते हैं और थोड़े से आइस क्यूब डाल देते हैं, पुदीने के पत्ते गार्निश के लिए, बाद में एक नींबू का स्लाइस इसमें लगा देते हैं गार्निश के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ऑरेंज ड्रिंक भी बनके एकदम रेडी है। मेरी दूसरी ड्रिंक है ग्रेप्स रिफ्रेशिंग ड्रिंक। जिसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से अंगूर ले लिए हैं और ये लगभग 10 से 15 ग्राम अंगूर है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच चीनी ली है, 4 से 5 पीस पुदीने के पत्ते के, 1 छोटा नींबू जिसका मैंने रस निकाल लिया है, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, और साथ ही हम लेंगे यहाँ पे प्लेन सोडा, जो की हम अपनी जरूरत के अनुसार यूज करेंगे। इन सारी सामग्री को मिला के हम सिर्फ 1 ग्लास की ड्रिंक बना के रेडी करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो सबसे पहले हम अंगूर को अपने मिक्सिंग जार में डाल देंगे। उसके बाद पुदीने की पत्तियां 2 या 3 ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। उसके बाद इसमें हम चीनी डाल देंगे और सारी चीजों को पीस के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको पीस लिया है और उसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो देखिए हमारा जूस निकल के एकदम रेडी है। तो चलिए अब हम अपनी ड्रिंक भी रेडी कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर से एक सर्विंग ग्लास ले लेंगे और इसमें हम अपने अंगूर के जूस को डाल देंगे, लेमन जूस, उसके बाद काला नमक, उसके बाद चाट मसाला, चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे आइस क्यूब डाल देंगे, कुछ पुदीने के पत्ते, उसके बाद हम अपना प्लेन सोडा डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी अंगूर की ड्रिंक भी बनके एकदम रेडी है। मेरी तीसरी ड्रिंक है वाटरमेलन रिफ्रेशिंग ड्रिंक। जिसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ तरबूज के पीसेस लिए हैं और ये लगभग 1/2 कप है, 2 बड़े चम्मच चीनी ली है,
जो कि आप अपने तरबूज की मिठास के अकॉर्डिंग कम और ज्यादा कर सकती हैं। 4 से 5 पीस पुदीने के पत्ते के और 1 छोटा नींबू जिसका मैंने रस निकाल लिया है, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला और प्लेन सोडा जो कि हम अपनी जरूरत के अनुसार यूज करेंगे। और इतनी सारी सामग्री से हम सिर्फ 1 ग्लास ही ड्रिंक बना के रेडी करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो सबसे पहले जो हमने वाटरमेलन के ये पीसेस लिए हैं उनको हम पीस के रेडी कर लेते हैं। और इनके जो ये सीड्स हैं थोड़ी सी हटा दीजिए। उसके बाद जो हमने पुदीने के पत्ते लिए हैं तो हम इसमें ज्यादा नहीं 2 से 3 पीसेस डालेंगे और जो चीनी ली है वो भी डाल देते हैं इसमें। सारी चीजों को पीस के रेडी कर लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो देखिए जूस निकल के रेडी हो गया है। तो चलिए ड्रिंक भी रेडी कर लेते हैं। उसके बाद हम सर्विंग ग्लास ले लेंगे जिसमें हमें अपने ड्रिंक को सर्व करना है। और उसके बाद जो मैंने वाटरमेलन का जूस निकाला था उसे हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें चाट मसाला, काला नमक, लेमन जूस, सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। थोड़े से आइस क्यूब्स डाल देते हैं और उसके बाद हम इसमें प्लेन सोडा डाल देते हैं। और उस पुदीने के पत्ते गार्निश के लिए और एक लेमन की स्लाइस लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा वाटरमेलन ड्रिंक बनके एकदम रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी 3 फ्लेवर में समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनके एकदम रेडी है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो विद न्यू रेसिपी के साथ। ओके बाय।